नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा राजेश खन्ना और उनकी आखिरी गर्लफ्रेंड अनीता आडवाणी का। जब फिल्म इंडस्ट्री किसी कलाकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का फैसला करती है तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि वो कलाकार अपनी पारी खेल चुका। राजेश खन्ना को भी साल 2005 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड फंक्शन से कुछ दिन पहले फिल्म फेयर की मैनेजिंग एडिटर मीरा जोशी राजेश खन्ना से पूछने गईं कि क्या वो अपनी ट्रॉफी कबूल करने के लिए अवार्ड फंक्शन में मौजूद होंगे। राजेश खन्ना ने हामी भरी लेकिन मीरा से फंक्शन के कुछ एक्स्ट्रा पास की गुजारिश भी की। हालांकि उन्होंने एक्स्ट्रा पास मांगे थे लेकिन जब वो फंक्शन में पहुंचे तो उनके साथ कोई भी नहीं था। वो अपने कामयाब दौर की परछाई भर रह गए थे। जून 2006 में त्रिनिदाद में भारतीय मूल के लोगों ने भी राजेश खन्ना और जीनत अमान को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार मीना अय्यर इस अवार्ड फंक्शन को कवर करने गई थी। मीना बताती हैं कि अवार्ड फंक्शन के बाद त्रिनिदाद से लंदन की फ्लाइट के लिए बिजनेस क्लास में हमारी सीट साथ साथ थी। वो घंटों तक पुराने दिनों का जिक्र करते रहे, मुझे किस्से सुनाते रहे। अपने दिमाग में वो अब भी सुपरस्टार थे। उन दिनों राजेश खन्ना के लिए समय अच्छा नहीं चल रहा था। उन दिनों इनकम टैक्स की परेशानी के चलते राजेश खन्ना को अपना बंगला कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ा था। मुंबई में उनका बंगला टैक्स अथॉरिटीज ने सील किया तो वो बांद्रा लिंकिंग रोड पर टाइटन के शोरूम के ऊपर वाली मंजिल में स्थित अपने विशाल ऑफिस में शिफ्ट हो गए थे। इस दौर की बात करते हुए मीना अय्यर बताती हैं कि अक्सर जब शाम को अकेलापन उन्हें बेहद परेशान करने लगता तो वो अपने ड्राइवर के साथ लिंकिंग रोड वाले मैकडोनाल्ड में चिकन बर्गर और स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक के लिए चले जाते थे। वहाँ पर अपने पुराने दिनों को याद करते और इस दौरान पुराने सुपरस्टार को देखकर कई लोग मुस्कुरा देते थे तो कुछ पुराने फैन उनके ऑटोग्राफ मांगते थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी और कुछ पल के लिए ही सही लेकिन वो अकेलापन दूर हो जाता था जो उन्हें कचोटता था। इस दौर में राजेश खन्ना का काफ़ी वक्त दिल्ली में बीतने लगा था। यहाँ दक्षिण दिल्ली के सर्व विहार में उन्होंने किराए पर एक बड़ा फ्लैट लिया था। दिल्ली में उनके सबसे ज़्यादा करीब रहे भूपेश रसीन बताते हैं कि इस समय तक राजेश खन्ना ये बात कबूल करने लगे थे कि उनका सुनहरा दौर पीछे छूट चुका है। वो बीती हुई जिंदगी से खुद को अलग करके आत्मविश्लेषण करने लगे थे, जैसे वो जिंदगी उनकी नहीं किसी और की हो। अपनी मनपसंद रेड लेबल स्कॉच के साथ वो अक्सर मुस्कुराते हुए पुराने दौर के किस्से सुनाया करते थे। इस दौर में उन्हें ज्योतिष में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो गई थी। काका बहुत इंट्यूटिव थे और बात करके कुछ देर ऑब्जर्व करके किसी भी इंसान के बारे में जान लेते थे। फौरन कह देते थे यार ये आदमी सच नहीं बोल रहा। वो कुंडली का अध्ययन करते रहते थे, खासतौर पर राहु काल में किसी से नहीं मिलते थे। भूपेश ने उन दिनों को याद करते हुए एक इंटरव्यू में काका की इन बातों का जिक्र किया। जून 2009 में राजेश खन्ना को एक और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा की तरफ से दिया गया था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि जिस शख्सियत के हाथों राजेश खन्ना को यह अवार्ड मिला था वो थे अमिताभ बच्चन। जिस पल अमिताभ ने ट्रॉफी राजेश खन्ना के हाथ में सौंपी वहाँ मौजूद फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियों ने हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। 66 साल के राजेश खन्ना ने बेहद जज्बाती होकर कहा कि यह अवार्ड उन्हें 180 फिल्मों और 49 साल की मेहनत के बाद मिला है। अपनी कामयाबी के लिए उन्होंने भगवान और जनता को धन्यवाद दिया। अंत में अमिताभ बच्चन का नाम लेते हुए उन्होंने फिल्म आनंद का डायलॉग बोलते हुए कहा, इतना प्यार अच्छा नहीं बाबू मोशाय, हम सभी रंगमंच की कठपुतलियां हैं। और इतना सुनते ही पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा।
उपेश रसीन की यादें राजेश खन्ना की दरिया दिली के किस्सों से भरी पड़ी हैं। गुजरे जमाने के सुपरस्टार की जिंदगी का वो बिल्कुल अलग पहलू बयां करते हैं। दिल्ली में राजेश खन्ना के घर में काम करने वाली नौकरानी की बहन की बाईपास सर्जरी होनी थी। राजेश खन्ना ने उस सर्जरी का पूरा खर्च उठाया। सर्जरी के बाद जब उन्होंने डॉक्टर से बात की तो पता चला कि वो महिला 3 महीने तक काम नहीं कर सकती। राजेश खन्ना ये सुनकर वापस घर लौट आए, लेकिन वो परेशान थे। भूपेश उस दिन को याद करते हुए बताते हैं कि आधी रात का वक्त था, मैं सो चुका था और तभी काका जी का फोन आया। वो बोले, भूपेश जिप्सी निकाल, और इतना कहकर फोन काट दिया। मैं हैरान था, वो जिप्सी आमतौर पर चुनाव प्रचार के समय ही निकलती थी। खैर, मैंने किसी तरह जिप्सी निकाली और उसे लेकर काका जी के घर पहुंचा। आधी रात को काका जी कुर्ता पैजामा पहने घर से बाहर निकले और बोले, सोनू जनरल स्टोर को फोन करो और बोलो कि 6 महीने के राशन को बड़े बड़े डिब्बों और जार में पैक करके रखे, पूरा राशन। मैंने कहा, काका जी सुबह कर लेंगे। वो बोले, नहीं अभी इसी वक्त। काका जी का ये था कि बस दिमाग में आ जाए तो वो चीज़ कल के लिए नहीं डालनी, अभी तुरंत चाहिए। आधी रात को 6 महीने के राशन का पूरा सामान अपनी जिप्सी में लदवा कर राजेश खन्ना भूपेश के साथ सीधे दिल्ली की लोधी कॉलोनी के पास बनी झुग्गियों में पहुंच गए। यहाँ उस नौकरानी का घर था। आधी रात को सारा राशन उसके घर पहुंचा दिया। भूपेश आज भी वो रात याद करके मुस्कुरा उठते हैं। कहते हैं कि मैं देखकर उन्हें हैरान था। इसके बाद घर लौटते समय काका जी कुछ नहीं बोले, मगर उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। दरअसल वो अंदर से बहुत खुश थे। भूपेश बताते हैं कि ये कोई अकेला वाक्य नहीं था। अपने स्टाफ में काम करने वाले लोगों के बच्चों की पढ़ाई से लेकर बेटियों की शादी करने की पूरी जिम्मेदारी राजेश खन्ना ने अपने कंधों पर उठा ली थी। पैसों की फिक्र कभी नहीं की, खुले दिल के आदमी थे, आखिरी सांस तक दिल से सुपरस्टार रहे। भूपेश की बात सुनकर प्रशांत कुमार का एक किस्सा वाक्य याद आता है। एक कार डीलर आशीर्वाद में राजेश खन्ना को नए मॉडल की कार दिखाने लाया, और जब वो जाने लगा तो प्रशांत ने उससे पूछा कि वो गाड़ी पर क्या डिस्काउंट दे रहा है। और ये सुनते ही राजेश खन्ना ने प्रशांत को अंदर बुलाया और डांटते हुए कहा, अगर कार खरीदनी है तो पूरी कीमत पर खरीदो, वरना मत खरीदो। राजेश खन्ना कभी डिस्काउंट नहीं लेते थे। प्रशांत ने ये बात याद करते हुए आज भी उनको हंसी आ जाती है। राजेश खन्ना पर बात करते हुए सलीम खान बताते हैं कि लोग किसी भी इंसान के साथ हुए अपने अनुभव को पैमाना मानकर उसका आकलन करते हैं। अगर किसी इंसान के साथ आपका अनुभव अच्छा है तो आप उसे अच्छा कहेंगे, वो अच्छा इंसान है। अगर अनुभव बुरा है तो वो इंसान आपके लिए बुरा भी हो जाता है। वो अपनी जिंदगी में लोगों को इस आधार पर जज करते हैं कि अपने स्टाफ जैसे नौकर या ड्राइवर के साथ उसका बर्ताव कैसा है। राजेश खन्ना ने अपने घर और दफ्तर में काम करने वालों की हर कदम पर बहुत मदद की। इस बात की तस्दीक उनके पुराने वफादार स्टाफ के लोग प्रशांत कुमार रॉय, ड्राइवर कबीर और उनसे जुड़े कुछ मेकअप मैन और स्पॉट बॉयज भी करते हैं। आज भी राजेश खन्ना के दीवाने फैंस की तादाद बहुत ज़्यादा है। जिम्बाब्वे में पली बढ़ी ग्रेटा, जिम्बाब्वे में पली बढ़ी ग्रेटा हिंदी फिल्मों की बहुत शौकीन है। वो हिंदी फिल्मों को समर्पित मेम साहब story.com नाम से एक बेहद मशहूर ब्लॉग चलाती हैं, और 60 और 70 के दशक की फिल्मों को लेकर उनके जुनून का अंदाज़ा आप इस ब्लॉग को पढ़कर लगा सकते हैं। और वो इस ब्लॉग के ज़रिए उस ज़माने के फिल्म स्टार्स के फैंस की बातचीत भी उनसे करती हैं। लेकिन आज के ज़माने में भी राजेश खन्ना के फैंस का क्रेज़ उन्हें हैरान कर देता है। ये मेरा अनुभव रहा कि राजेश खन्ना के फ़ैन किसी भी दूसरे स्टार्स के फैंस से थोड़े ज़्यादा जुनूनी हैं। हर स्टार के चाहने वाले होते हैं, लेकिन जिस तरह राजेश खन्ना के फैंस उन्हें महान मानते हैं वो मुझे हैरान कर देता है। वो उनकी आलोचना को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं और उनका बहुत बचाव करते हैं, लेकिन ये आम परसेप्शन है कि हिंदी सिनेमा ने उन्हें उनके योगदान के लिए वो तारीफ कभी नहीं की जिसके वो हकदार हैं। ये परसेप्शन पूरी तरह से गलत नहीं है। भूपेश के बेटे हर्ष रसीन फिल्म डायरेक्टर बनने का सपना संजोए बंबई आए। संघर्ष के शुरुआती दौर में राजेश खन्ना ने उन्हें आशीर्वाद में अपने साथ रखा करीब 2 साल,
2009 से 2011 तक। राजेश खन्ना के साथ रहकर हर्ष को उनके साथ कई बेहतरीन पल गुजारने का मौका मिला। हर्ष एक दिलचस्प बात बताते हैं। राजेश खन्ना के घर में एक मिनी थिएटर था जहां उन्होंने एक शाम हर्ष के लिए अपनी यादगार फिल्म अमर प्रेम की स्क्रीनिंग रखी। हर्ष याद करते हैं कि वो मेरे लिए बेहद यादगार पल थे जब मैं सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ बैठकर उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देख रहा था। वो मुझे उसकी शूटिंग के समय की बातें बता रहे थे। फिल्म के शुरुआती एक घंटे तक तो वो बीच बीच में बोलते रहे और फिर न जाने कहाँ खो गए, शायद पुराने दिनों की याद में। फिर कुछ देर बाद वो अचानक मुस्कुराए और खुद से बोले, वाह राजेश खन्ना वाह, तो क्या कर गया, ये मास्टरपीस है, क्या एक्टिंग की है तूने, वाह वाह। जब हर्ष ये बातों को बताते हैं तो वो राजेश खन्ना के घर में 2 साल रहे तो वो ये भी कहते हैं कि अनीता आडवाणी का किस्सा दरअसल वो सुनाते हैं, जो विवाद भी रहा। और अनीता आडवाणी के साथ राजेश खन्ना का रिश्ता उनकी मौत के बाद बेहद चर्चा में रहा था। अनीता दावा करती थी कि वो राजेश खन्ना की आखिरी प्रेमिका हैं और राजेश खन्ना के साथ आशीर्वाद में कई साल तक लिव इन रिलेशनशिप में थी। अनीता आडवाणी जयपुर से ताल्लुक रखती हैं लेकिन सालों से मुंबई के बांद्रा में रहती हैं। वो खुद को फिलीपींस के एक पूर्व राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्केस की भांजी भी बताती हैं। राजेश खन्ना की मौत के बाद एबीपी न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में अनीता कहती हैं कि मैं खुद को राजेश खन्ना की सरोगेट वाइफ कहती हूँ। मैं उनके साथ आशीर्वाद में 8 साल तक रही हूँ। इस दौरान मैंने उनकी देखभाल उसी तरह से की जैसे पत्नी करती है। अनीता ने उन लोगों पर भी सवाल उठाया जो राजेश खन्ना के करीबी होने का दावा करते हैं। अनीता ने कहा कि उस समय वो लोग कहाँ थे जब राजेश खन्ना अकेलेपन और डिप्रेशन से जूझ रहे थे। अनीता दावा करती हैं कि जब राजेश खन्ना की बीमारी की शुरुआत हुई थी तो उनका ध्यान रखने वाली वही थी, वही उनके मेडिकल टेस्ट करवाती थी, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती थी। वो कहती हैं कि मैंने उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा, मुझे और क्या सबूत देना पड़ेगा, जज्बाती होकर अपने इस इंटरव्यू में अनीता आडवाणी ने कहा। अनीता आडवाणी के ऐसे दावों ने राजेश खन्ना की मौत के समय बड़ा हंगामा खड़ा किया, लेकिन डिंपल या उनकी बेटियों ने इस बारे में मीडिया से कोई बात नहीं की। 2013 में अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में पत्रकारों से बात करने आई डिंपल कपाड़िया ने पहले ही साफ कर दिया, मैं अनीता आडवाणी के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। आशीर्वाद में सालों तक रहने के अनीता आडवाणी के दावे पर हर्ष रसीन कहते हैं कि मैंने अनीता आडवाणी को आशीर्वाद में कई बार देखा है, वो काका जी की दोस्त थी और अक्सर आशीर्वाद में आती थी, लेकिन मैंने उन्हें एक रात के लिए भी आशीर्वाद में रुकते हुए नहीं देखा, वो यहाँ कभी नहीं रही, दोनों के बीच कोई लिव इन रिलेशनशिप जैसी कोई बात नहीं थी। राजेश खन्ना की मौत से कई महीने पहले भी अनीता आडवाणी खबरों में आई थी। मिडडे अखबार में अनीता आडवाणी के साथ राजेश खन्ना की कुछ तस्वीरें छपी थी और इन तस्वीरों के साथ अनीता का बयान भी था। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके बहुत बहुत करीब हूँ, वो बहुत ही इंटेलिजेंट और रोमांटिक शख्स हैं, हम साथ वक्त बिताते हैं, हम घर पर भी साथ रहते हैं, हम डिनर के लिए बाहर जाते हैं और डिनर के बाद ड्राइव पर भी। इसी बयान में आगे अनीता ने कहा था कि वो और राजेश बहुत करीब हैं लेकिन साथ में कोई बंधन नहीं चाहते, मुझे लगता है कि हम जैसे भी हैं बहुत खुश हैं, हम एक बेहद खास पवित्र रिश्ता है हमारे बीच और मैं इसको संजो कर रखना चाहती हूँ, एक आम रिश्ते की तरह, इसमें कोई मांग या उम्मीद नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। भूपेश रसीन याद करते हैं कि जिस दिन ये तस्वीरें और अनीता के बयान अखबारों में छपे राजेश खन्ना बहुत गुस्सा हुए, उन्हें इस बात से नफरत थी कि कोई उनके नाम का इस्तेमाल करके पब्लिसिटी लेने की कोशिश करे। वो बताते हैं कि उन्होंने राजेश खन्ना ने भूपेश रसीन को बताया कि इस बात पर उन्होंने अनीता को बहुत डांट लगाई और जब वो शाम घर आई तो उन्होंने अनीता से वापस जाने को कहा। जब मैं बंबई जाता था तो आशीर्वाद में ही ठहरता था, मैंने कभी काका जी के साथ उन्हें वहां रहते नहीं देखा, ये बात भूपेश रसीन ने सालों बाद कही। अखबारों में तस्वीर आने के बाद भी राजेश खन्ना ने खुद कभी भी अनीता आडवाणी के बारे में कोई बात नहीं की और न ही उनके साथ कभी अपने रिश्ते को लेकर किसी के सामने स्वीकार किया। और अनीता हालांकि बार बार कहती रही कि वो राजेश खन्ना के साथ रहती थी मगर इससे जुड़ा कोई पुख्ता सबूत
वो अब तक पेश नहीं कर सकी। राजेश खन्ना की मौत के बाद इस रिश्ते का पूरा सच शायद अब कभी सामने भी नहीं आ पाएगा। आशीर्वाद में राजेश खन्ना हर्ष यासीन के दार्शनिक और गाइड बन गए थे। हर्ष याद करते हैं कि वो उन दिनों सुपरस्टार नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी आदतों एक राजा जैसी ही थी। खासतौर पर वो हमेशा चाहते थे कि उनकी खाने की मेज़ पर हमेशा कई तरह के पकवान रहें। हालांकि वो खुद बहुत कम खाते थे, लेकिन दूसरों को खिलाने के बहुत शौकीन थे। खाने के बाद वो हर्ष को साथ लेकर टहलते हुए अक्सर कार्टर रोड के पास एक आइसक्रीम पार्लर तक जाया करते थे। कई बार वो हर्ष को अपने दौर की दिलचस्प कहानियां सुनाते। आइसक्रीम पार्लर से लौटते हुए एक बार वो अपने अतीत की यादों में खो गए और उन्होंने हर्ष से कहा, जानते हो हर्ष, जिस रोड पर हम इस वक्त चल रहे हैं, एक वक्त ये मेरे फैंस से भरी रहती थी। जैसे मैं आज यहाँ चल रहा हूँ, उस दौर में मेरे लिए ऐसा करना मुमकिन ही नहीं था। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।